हेलो दोस्तों, मैं अमित गुप्ता आप सभी का अपने चैनल टैलेंटेड स्टूडेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वर्ड पावर मेडिजी का सेशन 37 है, जो बिल्कुल रिवीजन बेस्ड है। ठीक है, जिसमें जिसको आप लोग सॉल्व करने से पहले आप लोग को पूरा पहला इसका सेशन पढ़ना होगा, उससे कहते रिवाइज करके इस टेस्ट को दीजिए। इसमें आप लोग को अपना प्रोग्रेस पता चलेगा कि आप लोग कितना प्रोग्रेस किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आप लोग को इसमें जो मार्किंग स्कीम रहेगा, लास्ट में आप लोग को मार्किंग स्कीम दिया जाएगा कि अगर आप इतने मार्क्स लाए हैं तो आप बहुत ही अच्छा वर्क किया है, अगर आप उससे थोड़ा कम लाए हैं तो आप कितना आपका परसेंटेज है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपका लेवल बताया जाएगा कि आप कितना सीखे हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा, इसको आप लोग देखिए बिल्कुल क्लियर होकर देखिएगा। ठीक है, देखिए इसको क्या करना है, मैचिंग करना है। ठीक है, प्लीज़ आप लोग आंसर नहीं देखिएगा उसको, वीडियो को रोक के आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग मैचिंग कर लिया, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड था मैचिंग करके मिला लीजिएगा कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसका मैचिंग है। ठीक है, आप लोग को वीडियो रोक के इसको सॉल्व कीजिएगा जरूर से। वीडियो रोक के सॉल्व कर लीजिए, अच्छे अच्छे क्लियर दिख रहा होगा, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, और सबका मार्क जोड़ते जाइएगा कितना हो रहा है। चलिए नेक्स्ट इसको देखिए, इसका आंसर ये रहा। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ये इसको इसको भी सॉल्व करना है, इसका आंसर ये रहा। देखिए इसमें यस और नो बना, कितना किस वर्ड का अंडरस्टैंडिंग कितना है, आप लोग किसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे डज लाइफ ऑफन सीम प्रेजेंटर इन रेस्ट्रोस्पेक्ट, क्या हम लोग जो अपना लाइफ को पुराना देखते हैं तो क्या अच्छा लगता है हमें अपना पुराना लाइफ। हाँ अच्छा लगता है, जनरली अच्छा लगता है। ठीक है, कि हमारा पुराना लाइफ कैसा था, काश फिर से वो लाइफ आ जाए, ऐसे करके कुछ कुछ रेट्रो मतलब बैकवर्ड था हमारा, एस्पेक्ट मतलब देखना। तो इसको आप लोग यस नो में देख लीजिएगा, उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा किसका आंसर रहा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी यस नो में करना है कि ये बताएगा कि आपको वर्ड का कितना अंडरस्टैंडिंग है। इसका आंसर इधर रहा। नेक्स्ट देखिए, तो सेम और अपोजिट करना है कि ये दोनों वर्ड सेम है कि अपोजिट। उसके बाद आप लोग को मार्किंग अपना जोड़ना होगा, कितना नंबर आप लोग स्कोर किए हैं, ये सबको वीडियो रोक के ही करना है। देखिए इसमें वर्ड का कॉल करना, रिकॉल करना है कि एबिलिटी इन मेनी फील्ड, जैसे इसका था वर्सेटिलिटी। ठीक है, ऐसे सबको रिकॉल करके लिखना वर्ड को। ये एक्सरसाइज सबसे जरूरी है।
भी आपको टिक लगाना है, टायरलेस इंडिफैटिगेबल, ठीक है, फ्रैंक अनसोफिस्टिकेटेड, ठीक है, क्या था हमारा, इंजीनियर तो नहीं था, इंटरपिड, पहला नंबर इनजेन्युअस था, ठीक है। इसका सारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ। अब ये वर्ड रूट्स का उसका मीनिंग देखना है, ठीक है। वर्ड आप लोगों को दिया हुआ है और वर्ड की मदद से इस वर्ड वर्ड दिया हुआ, वर्ड रूट दिया हुआ, उसका कुछ एग्जांपल मीनिंग लिखना है आपको। यहीं तक करना है, ठीक है। ये हमारा सेशन 36 था, ये सेशन 36 कर दिया। आप लोग प्लीज़ को अपना कितना मार्क्स लाए उसको जोर से काउंट कीजिएगा। इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा टेस्ट का ही है, ठीक है। थैंक यू।